चलिए तो नमस्कार किसान भाइयों, ईट से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से कर्ज माफी की घोषणा आने के बाद हमारे बहुत से किसान भाई को मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई कौन कौन से बैंकों के किसानों के कर्जा माफ होगा। साथ ही हमारे कई सारे किसान भाई यह भी कमेंट कर रहे हैं कि अभी हम धान बेचेंगे तो धान का पैसा तो कर्ज के पैसे से कट जाएगा, तो उसके बाद कर्ज माफी होगा तो हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। इस तरह के कई सारे सवाल किसानों के मन में उठ रहे हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी भाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो पे आप लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। किसान भाइयों, बीते दिन एक कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे थे और इसी दरमियान उन्होंने किसानों से होने वाली धान खरीदी कर्ज माफी से जुड़ी बातें बताई हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। आज निरंतर चला थे राहुल जी 2500 के ऋण से, ये साल तो 2640 और 2660 रुपए पड़े और अभी धान बेचो तो समझ लो कतका पड़ी। पहली बात, हम फैसला करें 15 क्विंटल के जगह 20 क्विंटल खरीदी। आज 30 तारीख है, परम दिन धान खरीदी शुरू हुई और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेचू तुम्हें। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, चूंकि हम फैसला करें, का फैसला करें कि किसान मन के फिर से ऋण माफी होई। एक टका बात तकनीकी बात आप मन लगा दे रहा हूं, कावर के 1 नवंबर के धान खरीदी हो जी, परम दिन से धान खरीदी हुई तो तुम जो लोन ले हो तेन पहली कट ही बैंक में। कावर के सरकार के फैसला 20 क्विंटल खरीदे के लोन ले हो तब तो समझ लो वो लोन है, चुनाव तक जब बेचू तब तक के कटही। जिन सरकार बनी पहली फैसला रही किसान मन के कर्जा माफी और जिन समायोजित हो रही वो पैसा वापस करवो, तो कर चिंता तुम्हारा नहीं करना है। हाँ, ये मन भाजपा वाला उन पर गलाही थे, कल पहले में बता देना गहू पिछले समय याद करो 1200 करोड़ रुपया किसान मन धान बेच रही से नवंबर महीना में सरकार बनी 17 दिसंबर के, तो केस हम तो धान ल बेच देने का कर्जा पार दे वो पैसा ला, वो 1200 करोड़ रुपया किसान मन के वापस कर दे रहे हो रही नहीं हो रही से। तो यू बात कोनो किसान ला चिंता करे की जरूरत नहीं है, आराम से धान ला बेचो तुमने। कांग्रेस के फिर सरकार बनी वो जिन पैसा बैंक के खाता में तुम्हारे समायोजित हो रही वो पैसा फिर से वापस किसान के खाता में हुई, कर्जा माफ के हमारा फैसला। तो चलिए किसान भाइयों, आप सुन रहे थे सीएमओ भूपेश बघेल जी को। उम्मीद करते हैं आप लोगों के जो सवालों के जवाब है मिल गए होंगे, कि आप लोग जो सवाल कर रहे थे कि धान बेचेंगे तो धान का पैसा अपना कर्ज में कट जाएगा, तो कर्ज माफी होने के बाद हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसान अपना धान बेचते रहिए, उनकी सरकार बनने के बाद कर्ज माफी का लाभ किसानों को मिलेगा। और दूसरा जो कमेंट आप लोग अक्सर कर रहे हैं कि कौन कौन से बैंकों का कर्ज माफ होगा, तो इसके लिए पिछले वीडियो पर जो हम आप लोग के साथ शेयर किए थे, पिछले समय सरकार में आए 9,500 करोड़ रुपया माफ करें, अभी फिर अभी हिसाब किताब करे नहीं है, लेकिन जब का किसान के कर्जा है चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में ले चाहे वो कमर्शियल बैंक में ले, वो पैसा जब का कोऑपरेटिव बैंक में प्रति एकड़ के हिसाब से वही हिसाब से कमर्शियल बैंक के भी छूट होगी। उस पर सीएम ने बताया है कि जिला सहकारी बैंकों के साथ कमर्शियल बैंक का भी कर्ज माफ प्रति एकड़ के हिसाब से होगा। तो भाई कमर्शियल बैंक में भी कई तरह के बैंक आते हैं, अभी आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि कौन कौन से बैंकों का किसानों के कर्ज माफ होने वाला है। फिलहाल इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, आने वाले समय पर हम जरूर आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। किसान भाइयों, आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता होगा अभी छत्तीसगढ़ में चुनावी दौर जारी है, राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से घोषणाएं आने लगी हैं, वहीं बीजेपी की ओर से अभी घोषणाएं आना बाकी है। बताया जा रहा है इस बार भाजपा भी किसानों मजदूरों के हित में घोषणाएं जल्द लाने वाली है। अब सब लोगों की नजर इन दो बड़े पार्टियों के घोषणा पत्रों पर टिकी हुई है, आने वाले समय पर होने वाली घोषणाएं की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जय जोहार, नमस्कार।